Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Last time humne non-recursive algorithms ki basic properties ko understand kiya aur ek example maximum element find karne ki bhi ki. Is session mein hum ek aur example quote karenge, matrix multiplication. Agar aap iski problem statement ko zara gaur se padhein, to ye apni definition khud define karega. So given to n by n matrix, kyunki aapko pata hai matrix mein rows aur columns ke multiplicator pe ek order hota hai 2 by 2, 2 by 3, 3 by 4. So hum isko n by n lete hain. So matrix do honge A aur B, A and B. So do matrix ke dono ke orders hain n into n. Find the time efficiency of the definition based algorithm for computing their product. Ab definitely A aur B matrix ki jo multiplications hai wo C ke andar store hogi. By definition, C is an n by n matrix whose elements are computed as the scalar, jo ke dot products bhi ho sakti hai, of the rows of the matrix A and the column of matrix B. Ek cheez main yahan pe clear kar dun, main observe kar raha hun ke aap main ye cheez understand kar raha hun aur ye main is cheez ko consider kar raha hun ke aap log jante hain ke matrix ki physical jo representation hoti hai wo kaise hoti hai. और इन मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रो कॉलम के मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया है, आप जानते हैं. हम यहाँ पे मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अपनी टाइम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने की वर्किंग करेंगे. प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने है, वो नीचे एक एल्गोरिदम भी डिफाइंड है जिसके अंदर इनपुट है टू मैट्रिक्स होंगे ए एंड बी बाय एन एन ऑर्डर के. आउटपुट उनकी एक सी मैट्रिक्स होगा जो ए बी की मल्टीप्लिकेशन के बाद सी में स्टोर होगा. आपको पता है कि दो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होती है, रिजल्ट भी उनका एक मैट्रिक्स ही होता है. अब मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है, जो एल्गोरिदम है, वो कैसे काम कर रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम स्पेंड करें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है. हम यहाँ पे ये एल्गोरिदम आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपने इसकी टाइम एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है. अब हम आते हैं अपने जनरल प्लान के ऊपर. अब जनरल प्लान के मुताबिक मैंने आपको गाइड किया था कि पहला स्टेप आपका है इनपुट साइज. तो आप जरा गेस करें इसके अंदर आपकी इनपुट साइज क्या है. एक मैट्रिक्स ए है जो 0 से एन माइनस वन तक, और दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसमें रोज भी 0 टू एन माइनस वन है और कॉलम्स भी 0 टू माइनस वन है. अगर आप नोट करें स्क्रीन पे, जो सिलेक्टेड एरिया है ये डिफाइन कर रहा है कि मेरे मैट्रिक्स ए और बी की इनपुट क्या है. नंबर टू स्टेप पे आपका है बेसिक ऑपरेशन. अगर आप इस एल्गोरिदम को स्टार्ट से एंड तक सारा देखें तो आपको आइडिया होगा कि जो बेसिक ऑपरेशन इसके अंदर है, प्रॉब्लम का नेम भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है. तो अंडर सोर्स लॉजिक अगर आप नोट करें, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है दैट इज योर बेसिक ऑपरेशन. सो स्टेप टू आपका बेसिक ऑपरेशन, और थर्ड स्टेप आपका एज यूजुअल यू नो दैट के एवरेज केस को ही हम कंसिडर करेंगे. लेट स्टार्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाई यूजिंग द नॉन रिकर्सिव एल्गोरिदम टेक्निक. अब मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेप पे देखें लूप है, और लूप को हम डिफाइन करते हैं अपने इस समीशन साइन के साथ. अब इस लूप का एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं. लूप पहली है आई इक्वल टू जीरो, सो ये आई से जीरो तक चलेगी, जीरो से स्टार्ट होगी, और इसका जो एंडिंग और टर्मिनेशन पॉइंट है वो एन माइनस वन होगा. ओके, इसकी बॉडी के अंदर एक और लूप है. अब चूंकि एक और लूप है, उसके लिए हम इसके अंदर एक ब्रैकेट ऐड करते हैं, और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जो कि एक और लूप है, तो हम लूप के लिए एक और समीशन साइन यूज करते हैं. थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है कि वो अंडरस्टैंड थोड़ा नहीं कर पाया. हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको ओके. तो हम ये कुछ ऐसे करते हैं कि इसके आगे एक और समीशन हम यूज कर लेते हैं. अब इस समीशन के लिए भी हम इसकी अपर और लोअर बाउंड्री को सेट करते हैं जो कि जे है, यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है. सो जे इक्वल टू जीरो टू ये भी एन माइनस वन तक जा रहा है. इसके बाद अगर आप देखें तो इसकी बॉडी में एक असाइनमेंट है, और मैं आपको लास्ट सेशन में गाइड कर चुका हूँ कि असाइनमेंट हमारा बेसिक ऑपरेशन नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे. इसकी बॉडी के अंदर एक और लूप है, तो उसके लिए हम एक और समीशन यूज करते हैं. अब इस समीशन का अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री दोनों डिफाइन करते हैं. इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो के है, के इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन है, और इसकी बॉडी के इनसाइड
एक वेरिएबल जो कि एक हमारा बेसिक ऑपरेशन है वो हर एक आइट्रेशन में एक बार काम करेगा, तो ये कॉन्स्टेंट एक है। सो हम इस इक्वेशन को लेते हैं और अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और हम आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा ये पोर्शन सॉल्व होगा, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो इसको पास होगा, इसको पास होगा, और उसके बाद इन दोनों को सॉल्व हो जाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसको पास होगा। तो हम पहले इतने इसे को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एज इट इज यहाँ पे आएगा, सो मैं यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर अगर आप नोट करें तो ये अपर माइनस लोअर प्लस वन अगर स्ट्रेटेजी को यूज करें तो ये मैं डायरेक्ट करूंगा, फार्मूला मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी है और आप इसको फॉलो करेंगे। अपर माइनस लोअर प्लस वन, सो अगर आप नोट करें तो ये वन वन से क्रॉस हो गया, जीरो की कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा ओवरऑल एन। तो मैं अगले स्टेप पे इसको मूव करवाता हूँ। सो जैसे ही ये अगले स्टेप पे या अगले फेज पे आएगा, सो ये तो हमारा एज इट इज यहाँ पे वर्कआउट करेगा और यहाँ पे आपको एन रिटर्न हो जाएगा। तो इस पूरे ने आपको एन रिटर्न किया, तो अब ये वाला एलिमेंट सॉल्व होगा। सो उसके लिए ये एज इट इज चलेगा। सो मैं यहाँ पे एक नया स्टेप ऐड करता हूँ, इक्वल दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। अपर कांस्टेंट, चूंकि यहाँ पे अब अच्छा यहाँ पे इशू ये है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, ये एन है। तो एन चूंकि हमारी इनपुट साइज के अंदर शामिल है, तो हम इसको बींग अ कोफिशिएंट एक सेपरेशन फॉर्म में लेके आ सकते हैं, लाइक एन, और एन के बाद हम ब्रैकेट के अंदर अपनी इस एलिमेंट को हम लेके आ सकते हैं। सो ये एन कॉन्स्टेंट आया, बाकी एलिमेंट सारा का सारा एज इट इज यहाँ पे यही कॉल होगा और ये वन हो जाएगा। अब चूंकि वन हमने यहाँ से एन कोफिशिएंट के तौर पे सेपरेट कर दिया, पीछे यहाँ पे वन बच गया। अब चूंकि ये एन यहाँ से यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे वन बच गया, तो अब ये कॉन्स्टेंट है, तो हम अपर माइनस लोअर की बाउंड्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मैं इसको कॉपी करके एक नया स्टेप जनरेट करता हूँ और यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये एज इट इज फॉर्म यही आएगी, अपर माइनस लोअर प्लस वन। सो मैं यहाँ पे एज इट इज इसको लिखता हूँ, अपर माइनस लोअर प्लस वन। सो ये वन वन से क्रॉस कर गया, तो फाइनली जो आपके पास यहाँ से सॉल्यूशन गेट होगा वो ये एन बच जाएगा। ओके, मैं थोड़ा सा इसको आगे, ये एन आ गया। अब सेम वही प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे यूज किया, हम इसको फॉलो करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं एन डॉट एन, और ये एन वन में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमने एन यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब आप ये टूल यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पे स्पेस सिर्फ एक खाली देने से एक्सेप्ट नहीं करता, आपको कंट्रोल स्पेस प्रेस करना पड़ता है स्पेस देने के लिए। सो अगर आप नोट करें तो ये भी वही लूप है जिसका हमने सोल्यूशन निकाल चुके हैं। तो ये एन डॉट एन का मतलब, ये एन डॉट एन का मतलब एन स्क्वेयर हो चुका है, और उसके बाद हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। सो ये भी अपर माइनस लोअर के फॉर्म में आएगा, तो एन माइनस वन माइनस अपर माइनस लोअर प्लस वन। सो ये भी आपको खाली एन ही रिटर्न करेगा। सो एन डॉट एन डॉट एन जो कि एक्चुअली इक्वल है एन क्यूब के। सो मैं इसको एन क्यूब कर देता हूँ। अब चूंकि हमारे पास एलिमेंट एक ही है और वही आपका रिजल्ट है, तो हम इसको क्लेम कर सकते हैं थीटा एन क्यूब के। सो हम इसी को मैं रीयूज करता हूँ, कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया, ये इक्वल दैट इज योर आंसर थीटा एन क्यूब। सो ये एक बार दोबारा देखिएगा, यहाँ पे पहली लूप थी, पहली लूप को मैंने इसके साथ रिप्लेस किया, तो लूप चूंकि कन्वर्ट होगी समीशन के अंदर, अपर माइनस, ये अपर है हाईएस्ट मोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट इसका जीरो है और एंडिंग पॉइंट एन माइनस वन है। इसकी बॉडी के अंदर एक और लूप थी, उस लूप को यूज किया जीरो से एन माइनस वन तक। इसके अंदर एक असाइनमेंट है जो कि बेसिक ऑपरेशन नहीं है, हम इसको इग्नोर करेंगे। थर्ड लूप भी इसकी बॉडी के अंदर है, तो एन माइनस वन, ये के वेरिएबल यूज होगा, तो के वाला समीशन हमें खाली एन रिटर्न कर रहा है। तो अब इस वाले समीशन को आपको एन रिटर्न हुआ, अब ये एन एज ए कॉफिशन हम सेपरेट कर दिया, पीछे यहाँ वन बच गया। सेम वही रूल इसके लिए अप्लाई किया, यहाँ से एन रिटर्न हुआ तो कॉमन आया, तो एन स्क्वेयर हो गया।
उसके बाद इस वाले लूप को हमने सॉल्व किया तो ये n माइनस वन माइनस जीरो प्लस वन में आया, तो ये तीन दफा n हमारे पास आया, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, थीटा n क्यूब। सो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखाता हूँ जो स्लाइड में मैंने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है, आप चाहें तो आप इसको मैथमेटिकली जिस तरह मैंने यहाँ पे शो करवाया आप इसको भी एज इट इज सोल्यूशन में लेके आ सकते हैं। होप्सो की एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी, एक और एग्जाम्पल के साथ नए सेक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।